आज हम बात करेंगे कि मॉर्निंग में उठते ही आपको चाय या कॉफी क्यों नहीं लेनी चाहिए। देखिए, बॉडी का एक सर्कैडियन रिदम होता है जिसके कारण आपका स्लीपिंग साइकिल मेंटेन होता है एंड हॉर्मोन्स भी बैलेंस होते हैं। जब आप उठते हैं तब बॉडी दो हॉर्मोन्स रिलीज करती है, वन इज कॉर्टिसोल एंड सेकेंड इज एपिनेफ्रिन। एंड इन दोनों हॉर्मोन्स का काम है कि आपका अलर्टनेस एंड फोकस को इम्प्रूव करना। आपको ये समझना चाहिए कि जो कॉर्टिसोल लेवल है वो ऑलरेडी 45 मिनट तक पीक पे रहता है जब आप उठते हैं, और वो धीरे धीरे ओवर द डे स्लो हो जाता है, उसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। बहुत से लोग इमिडिएटली उठने के बाद चाय या कॉफी ले लेते हैं। इससे होता क्या है, आपकी बॉडी टॉलरेंट हो जाती है फॉर कैफीन या फिर चाय या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट जिससे आप अलर्ट हो रहे हैं। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट आप 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट लीजिए, कोई कॉफी या चाय नहीं लेनी। आप 1-1.5 घंटे के बाद कॉफी, कैफीन या फिर चाय ले सकते हैं, जिससे आपकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी एंड अलर्टनेस भी इंप्रूव होगी ड्यूरिंग योर वर्कआउट्स, ड्यूरिंग एनी फिजिकल एक्टिविटी। तो आपने करना क्या है, एटलीस्ट 1.5-2 घंटे के बाद चाय या कॉफी लेनी है, ताकि आपका जो बॉडी का मैकेनिज्म है कॉर्टिसोल प्रोडक्शन का वो डिसरप्ट ना हो, और जो आपने कैफीन का मैक्सिमम बेनिफिट लेना है वो आप ले सकें। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे स्वस्थम को फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए।